जो बात केसी सिंह जी पूर्व राजनयिक रह चुके हैं बहुत अच्छे से समझते हैं, वो समझ रहे हैं कि रेन इन करने के लिए पाकिस्तान को ये कदम बहुत महत्वपूर्ण है और जो प्रधानमंत्री चाहेंगे वही एस जयशंकर करेंगे, एक साथ मिलकर सारे यहां पर काम करेंगे। पाकिस्तान में किस तरह से देखा जा रहा है उसके अच्छे साहब के साथ दिखाई होंगे। जी केसी सिंह साहब की मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ जो वो कह रहे हैं कि हमने कोई ये बालाकोट वाले फेस से हमने अब निकलना है, वो बिल्कुल ये बात ठीक कह रहे हैं। ऑल दो गिवन द फैक्ट कि उसका इलेक्शंस पे हमने देखा कि सेंटिमेंट में भारत में जो इस मरतबा रहा वहाँ बड़ा असर हुआ, नरेंद्र मोदी जी को और उनकी पार्टी को बहुत ओवरवेलमिंग मेजोरिटी मिली है। इससे पहले हमें 1977 में या 1980 में ये याद आती है कि इस किस्म की किसी वन पार्टी को मेजोरिटी किसी ने एंजॉय की हो लोकसभा में, तो इसलिए हम मोदी जी से, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी उनको मुबारकबाद दी, हम भी मुबारकबाद देते हैं, मोदी जी ने भी अच्छा जेस्टर दिया, उन्होंने उनकी ट्वीट को पहले तो कोट करके बहुत अच्छे रिमार्क्स लिखे और उन्होंने पूरे इलाके में अच्छाई लाने के और इलाके में अमन लाने के हवाले से उन्होंने अच्छी बात की। हम उनसे यही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, बजाय इसके कि वो बाहर जाएं, वो अमेरिका तक बढ़े, वो रशिया, जाहिर है चाइना भी वंस अगेन नेबर है लेकिन पाकिस्तान भी नेबर है, आपने इस हॉस्टिलिटी से निकलना है। और अगर मोदी जी की बात को हम इस वक्त सामने रखें, उनकी बात को सच माने कि वो खित्ते में अमन चाहते हैं और अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, सबके लिए ब्रदरहुड, सबके लिए एनिमोसिटी खत्म करके आगे बढ़ने वाली बात वो कर रहे हैं, तो पाकिस्तान इज वेयर ही शुड बिगिन फ्रॉम, पाकिस्तान से उन्हें शुरू करना चाहिए। ये चीज हम भी इसमें पेश पेश होंगे, ऐसी बात नहीं है कि वो करते रहेंगे और मैं ये बोलूंगी कि हम कुछ ना करें, वी विल आल्सो हैव टू प्ले आवर पार्ट, लेकिन अब वक्त आ चुका है। वो पार्ट क्या है रिश्ते की शुरुआत वो पार्ट हिंदुस्तान के हिसाब से आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना है, क्या वो अभी तक सिन्हा साहब किया है पाकिस्तान ने? एकदम। और अगर नहीं किया है तो फिर कैसे बेहतर होंगे रिश्ते? देखिए संस्कृत में कहावत है सठम साठम समाचरित, जो जैसा है जो जिस जैसी भाषा समझता है उसको उसी भाषा में जवाब देने की जरूरत है। मैं पाकिस्तान के जो स्पोक्स पर्सन उनसे पूछना चाहता हूँ, 1947 से आपने क्या दिया हिंदुस्तान को? सिर्फ दर्द, सिर्फ आतंक, ये आपने दिया है और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग अपना बेस्ट बिहेवियर आपको दिखाएं, आपसे दोस्ती करें, आपसे डायलॉग करें, आपसे बातचीत करें, किस बिंदु पे बात करें, किस बिंदु पे? कश्मीर जो हमारा अटूट हिस्सा है, आतंकवाद जिसको आप कम करने की कोशिश नहीं करती हैं, आप फंडिंग करती है, टेरर फंडिंग करती है, मुजफ्फराबाद कोटली में आपका आतंकवाद का ट्रेनिंग सेंटर है, बालाकोट अभी जब हमने स्ट्राइक किया आपने जैशे मोहम्मद का इतना बड़ा महकमा क्रिएट करके रखा है, आप क्या चाहती हैं? आप चाहती हैं कि आप हमें तबाह करती रहें और पाकिस्तान हमको तबाह करता रहे और हम चुपचाप तमाशा देखें और सॉफ्ट, आप लोग यूज टू हैं सॉफ्ट स्टेट का, हिंदुस्तान सॉफ्ट स्टेट के यूज टू है, अब हिंदुस्तान सॉफ्ट स्टेट नहीं है, अब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। और एक चीज और मैं बात कहना चाहता हूँ, मोदी जी ने जयशंकर जी को सेलेक्ट करके शंखनाद कर दिया है, ये महाभारत की घोषणा कर दी है, जो हिंदुस्तान के दुश्मन हैं उनके खिलाफ महाभारत का जंग शुरू कर दिया है और उनको मैनेजमेंट में कहावत है स्क्वायर पेग इन स्क्वायर होल, राउंड पेग इन राउंड होल। जयशंकर प्रसाद का जो जयशंकर जी का जो डोमेन एक्सपीरियंस है फॉरेन अफेयर्स में, उसका अनुभव का फायदा उठा के आप लोग को इतना आइसोलेट कर दिया जाएगा कि आप त्राहिमाम करेंगे। आप लोग पाकिस्तान ने बहुत मनमानी किया इस देश के साथ, अब ये बहुत अब ये दादा ये जो इस तरह की मनमानी नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। आप लोग सब सोचती रही हैं कि हम हिंदुस्तान पहले सॉफ्ट स्टेट का कि हम आपको कंडेम करते हैं, आपने कितना दिया है हम लोग को, कितना घाव दिया है, कितना घाव दिया है ये बताइए, जो 26/11 किसने दिया, पुलवामा में 42 आदमी किसने मारा, क्या चाहती है आप, क्या चाहते हो आप, सब आप लोग समझते हो कि हिंदुस्तान एक बिग स्टेट है? अरे जब विश्व के सुपर पावर्स हिंदुस्तान के सामने दोस्ती का हाथ पकड़ते हैं, आप लोग क्या हो, एक छोटा सा देश क्या हो हमारे सामने, और न्यूक्लियर ब्लैकमेल का ब्लफ करते रहो। वो हमने इस्तेमाल देख लिया, हमने कर दिया बालाकोट, क्यों नहीं न्यूक्लियर इस्तेमाल किया आपने, हमने बालाकोट में दिखा दिया, हमने आपका न्यूक्लियर ब्लफ का जो ब्लैकमेलिंग टैक्टिक उसको पलट दिया है। आप अब ये जोड़ी है, ये मोदी जी और जयशंकर की जो जोड़ी है, ये कृष्णा और अर्जुन की जोड़ी है,
महाभारत के चक्रव्यूह आपके लिए रचे जाएंगे और आपके जो चक्रव्यूह आप बनाते हैं हमारे खिलाफ उसको हम तोड़ेंगे, उसको हम तोड़ेंगे। सुशांत